डायरेक्टर हैं जनाब असद चौरी साहब, इसके अलावा जो हाँ चीफ कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर हुमा साहबा, और वालेकुम तो आपको सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहरबानी। आज का दिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अलावा पूरी दुनिया में जो डायस्पोरा है उसके लिए बहुत ही एक अहम दिन है। आज के दिन जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज यूनाइटेड नेशन से ख़िताब किया है, और उसकी अहमियत इस तरह है कि आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे, वो उनका जो एक एक विजन था वो एक आलमी एक लीडर के तौर पे उभरा है, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें की हैं। प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले बैस्टर साहब, आपका भी एक पूरा जो इस पूरे टेन्योर में बहुत ही प्रोफेशनल, आपने एक मंझे हुए ब्यूरोक्रेट के तौर पे आप उभरे हैं, और आपने पहली दफ़ा हमने देखा कि मीडिया और दीगर जो कम्युनिकेशन टूल्स थे वो आपने प्रॉपर तरीके से, आपने पूरी कॉम को ही नहीं बल्कि पूरी जो आप हमारी जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है उसको अपडेट रखा, और पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन की कवरेज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दीगर सोशल जो नेटवर्क और जो दीगर कम्युनिकेशन जो हाईवेज हैं उस पे हमने देखा कि पाकिस्तान का एक ना सिर्फ एक स्टैंड समझने में मौका मिला, बल्कि जो कश्मीर के हवाले से और जो हमारे पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं, हमारे इलाकाई जो ममालिक के साथ, स्पेशली अफगानिस्तान का मसला, कश्मीर का मसला और दीगर जो अभी नए ब्लॉक बन रहे हैं उसमें आपने बहुत ही भागदौड़ की है, तो हम आपको इस प्रोग्राम के हवाले से आपको मुबारकबाद देते हैं। मैं मेहरबानी मेहरबानी आपका सर। सिलसिला शुरू करता हूँ। अम्बेसडर साहब, आप ये बताएं कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो आज पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जिक्र किया है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि एक और जो मसला जो है वो है इस्लामोफोबिया। तकरीरें तो बहुत होती हैं लेकिन ये जो दो मामलात हैं ये बहुत अहम हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, इबादत गाहें उनको मस्मार किया जा रहा है, और इसके अलावा जो कुरान पाक की भी तौहीन ना सिर्फ अमेरिका में की गई बल्कि दीगर कंट्री में, आप इंडिया में स्पेशली मुसलमानों के साथ जुल्म, उस तनाजर में आप क्या महसूस करते हैं कि इससे, इस कॉन्सेप्ट से और इस्लामोफोबिया के जिक्र से जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने किस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर के इस डिमांड को और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने किस तरीके से लिया है? जी मिस्टर साहब, बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत दी आपको यहाँ ज्वाइन करने के लिए। ये दो कॉन्सेप्ट जो रियासत मदीना की पहले तो जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इस्लामोफोबिया का जो मसला है, इसमें हमने ये देखना है कि जो बाकी दुनिया में वेस्टर्न ममालिक जो हैं वहाँ बहुत गलत फहमी है इस्लाम की जो हिस्ट्री है या उसकी डॉक्ट्रिन है या उसके जो मसले हैं, जो रूल्स हैं हमारे जो फॉलो करने, उसमें बहुत बहुत गलत फहमी है यहाँ कि जी एक इस्लामी मुल्क ना डेमोक्रेसी हो सकता है ना वेलफेयर स्टेट बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का यही पहले मकसद है कि इनको दिखाना कि हम एक एक ऐसा मुल्क एक ऐसा मुल्क हम बनाना चाहते हैं जो जो हमारी जो पैगंबर साहब ने जो रूल किया, गवर्नेंस के रूल्स दिए थे, उसकी तहत भी एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है और एक सही किस्म का
स्टेट जिसमें सब पूरी आवाम के हकूक देखे जाएं, जहां जस्टिस हो, जहां फेयरनेस हो, और जो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। ये उनका मकसद था इसको आगे ले आने का। दूसरा जो इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया तो आप जानते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादतियाँ जो हो रही हैं, उन्होंने चार्ली एब्डो का वो जिक्र किया आपने अपनी तकरीर में, और सब में जो बड़ी चीज जो हमारे हमारे सामने है वो है हमारे हमसाये में ये इस्लामोफोबिया या मुसलमानों की खिलाफ वर्जी या मुसलमानों की के से नफरत करना एक स्टेट पॉलिसी बन गई है हिंदुस्तान में। तो ये हमने दिखाना चाहिए, और ये दिखाना उन्होंने दिखाने के लिए ये जिक्र किया है कि ये यहाँ जो इस्लामोफोबिया दुनिया में तो है पर जो हिंदुस्तान में है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस वजह से है कि इस किस्म का इस्लामोफोबिया है जो पिछली सेंचुरी में जो यहूदियों के साथ हुआ था उस किस्म का ये एक दौर बना रहे हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड हो सकता है और वहां से जो मैसेकर हो सकता है, दो सौ मिलियन मुसलमान हैं वहाँ, तो उससे दुनिया को ये डेंजर जो है हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान में ये उन्होंने दिखाने के लिए इसको पेश पेश किया है। तो ये हमारी हमने कश्मीर का मसला भी पेश करना है, पर हमने ये भी देखना है कि ये 200 मिलियन मुसलमान जो हमारे भाई हैं हिंदुस्तान में उनके खिलाफ क्या हो रहा है और क्या। तो मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत सोच समझ के ये पेश किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमा साहब। आप अपना क्वेश्चन आप करें। डॉक्टर हुमा साहब डीसी वाशिंगटन डीसी से, ये हमारी फोर्थ पिलर की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और इनका रिसर्च और एनालिसिस के अलावा फैशन और म्यूजिक इस बहुत ही ज़्यादा इनका पॉलिटिक्स स्पेशली यूएस पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इनका इंटेक है। तो डॉक्टर हुमा साहब प्लीज़। So first of all, thank you so much for your time, Ambassador Mr. Munir Akram. I think we met last year in person, so I was very impressed by your personality at that time. It is as Mr. Farooq Mirza has said that aaj Imran Khan ne as a world leader apne aap ko present kiya hai United Nations General Assembly. One of the most important things that I actually picked up from his speech was a threat of climate change, and based on the Paris Agreement, one of the promises, prospective promises made by the Prime Minister of Pakistan is that ke 10 billion trees jo hain wo plant kiye jayenge. Ab question ye hai ki carbon ki jo emission hai wo to minimal hai wahan pe control oil and gas factories. I mean, I don't think so. That's really, really up to the mark with the national standards. So how, first of all, how that is going to be possible? If we are planting 10 billion trees, how that is going to impact where the carbon emission is minimal? Second thing is this, where is the infrastructure or the funding coming from to implant those 10 billion trees? Thank you. Good question. I think as you know, as far as carbon emissions are concerned, I mean, carbon is absorbed by forestation or reforestation as in our case. So whether we have high emissions or low emissions, the carbon that is being emitted in the region of Pakistan could be absorbed much better if there is higher reforestation. Also, it will prevent erosion of soil. It will prevent the flash floods which we have sometimes in the summers, because there is no forest cover, so soil goes down and then you have mudslides, you have floods because of that. So there are multiple reasons for reforestation that are required, and you know we
there has been huge logging in Pakistan, illegal logging. Our forests have been denuded. So it's multiple benefits of from reforestation as such, not merely the absorption of carbon, but also several other developmental and ecological benefits that flow from reforestation. As far as the money is concerned, so far we have been doing it with our own resources. As such, we have put out the fact that we would welcome partners, welcome international partners to do this. There has been also a discussion of the possibility of a swap for a debt. Some of the debt we owe can be swapped in for this project, ecological project, the debt for climate swaps that you may know. So far we have not received external funding. We are doing it on our own, but we are doing it, and the Prime Minister is committed to doing it, because apart from all the ecological benefits that flow, we also create jobs. The reforestation project also creates jobs for people who are unemployed, and this is a time when it's necessary to keep people employed, to have them earn some money, and this is the sort of unskilled labor, agricultural labor. So it's also a way of keeping the economy afloat. So that's why we are putting money into it, and the Prime Minister is committed to this project. Thank you, Madam. Dr. Saab, Janab Chaudhary, Asad Chaudhary Saab, DC, say he is one of our directors, very talented person, very active, especially his organization always build Pakistan's image in US Congress. Beautiful people, very successful people, deep into US American politics. Janab Chaudhary, Asad Saab, aap question karein. Welcome, Abazar Saab. मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि 26-27 मिनट्स में खान साहब ने 26-27 अहम मौजूदात को कवर कर लिया इसमें। एक तो मुख्तसरन मैं जानना चाहूंगा कि गुज़िश्ता तकरीरों में और आज की तकरीर में थोड़ा सा हमें फर्क बता दें, और आने वाले हालात में, आने वाले वक्त में इस तकरीर के क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कवर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, हमसायों के साथ COVID-19 और कश्मीर और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर आकर उन्होंने बात को तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश मेरे ख्याल की कि एक जैसे भारत एक थ्रेट बन गया हुआ है न्यूक्लियर एक वार की तरफ ले जाने के लिए, बस इसमें जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देगा। जी देखिए, प्राइम साहब एक नेशनल लीडर हैं, पर उनका इंटरनेशनल तजुर्बा भी बहुत है, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, खुद अपने पर्सनल स्टेटस में पूरी दुनिया जानती है उन्हें, तो उनकी एक मॉरल स्टैंडिंग है, एक विजिबिलिटी है, एक क्रेडिबिलिटी है, जिस वजह से, और पाकिस्तान के इतने मसले हैं जैसे आपने जिक्र किया, हमारे अंदरूनी मसले हैं, बैरूनी मसले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इज अ लीडर जो इन सब चीजों पे वो एक पोजीशन ले सकते हैं और लीडरशिप कर सकते हैं। तो ये तकरीर में हमारी जो सेंट्रल इश्यूज हैं वो तो उन्होंने उठाई हैं, कश्मीर है, उसमें इस्लामोफोबिया का जिक्र है, इलिसिट फाइनेंसिंग जो हमें बहुत नुकसान देती है, और जो हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इन सब पे तो जाहिर है कि लाजमी हमें बात करना पड़ती है इन चीजों पर दुनिया के बहुत सारे मसले हैं जो जिस का असर हमें पड़ता है, पॉलिटिकल मसले हैं, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल मसले हैं, तो उन्होंने इसलिए उन्होंने वो जो डेट रिलीफ का जो प्रपोजल दिया था उसकी बहुत हिमायत हुई है,
उसकी वजह से आपने देखा है कि इंटरनेशनल इदारों ने एक डेथ सस्पेंशन डिसीजन लिया है और वो डेथ सस्पेंशन डिसीजन से कोई $12 बिलियन की डेट सस्पेंशन हुई है जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। उसमें हमें भी फायदा हुआ है, हमें भी कोई $2-1 बिलियन की डेट सस्पेंशन की हमें मोहलत मिली है, तो उससे हमें भी फायदा हुआ है पर बहुत सारे दूसरे मुल्कों का भी फायदा हुआ है। और इस वजह से फिर जो सेक्रेटरी जनरल ने एक जो इनिशिएटिव लिया था उसमें हमें उन्होंने को चेयर बना दिया, को चेयर डेट नेगोशिएशंस के लिए जो यूनाइटेड नेशंस में अभी मज़ाकरात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान को लीड बना दिया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक समिट लेवल पर एक पोजीशन दी है इस मसले पर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी 29 तारीख को समिट होगी, वर्चुअल समिट होगी जिस विच विल बी लेड प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कनाडा का और जो जमैकन प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी जनरल इसको लीड करेंगे और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे इस मौजू पर, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग पर और डेट के ऊपर। तो ये उन्होंने कवर किया अपनी तकरीर में भी, उन्होंने बताया कि क्या मेजर स्टेप्स क्या हो सकती हैं इस मसले पर। इसी तरह जी बहुत अच्छा एलाबोरेट किया। इसके साथ उन्होंने डेट रिलीफ के हवाले से उन्होंने 500 बिलियन है उसकी भी उन्होंने डिमांड की कि एडिशनली तरक्की याफ्ता कंट्रीज को COVID-19 के जो जो असरात हैं और उस पे जो डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उन्होंने मजीद को कहा कि वो और मनी एडवांस करें। इसके साथ साथ जो एक और बड़ा अहम मसला जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो बात की है, उन्होंने कहा कि 9 लाख की फौज जो है 8 लाख जो नहाते कश्मीरी हैं उन पे बिठा के रखी हुई है और 13,000 यूथ जो हैं उनकी अबडक्शन हुई है। एक तो ये मामला उन्होंने बड़ी समझा के ये बात उन्होंने की। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक बड़ा अच्छा मौका था क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो ऑब्जर्वर कमेटी की जो रिपोर्ट आपके पास है उसमें वाजे तौर पे इंडिया के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत भी यूनाइटेड नेशन की ऑब्जर्वर कमेटी ने बकायदा उसमें वाजे किए हैं। तो ये बहुत अच्छा केस बनता था इंटरनेशनल फोरम पे कि वो ये मुतालबा करते कि इस चूँकि इंडिया दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो लिहाजा इसको सलामती कौंसिल की जो रुकनियत है वो एक दहशत गर्द मुल्क को तो नहीं होनी चाहिए। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा मोहतात रवैया अख्तियार किया, तो आप जरा इस सिलसिले में बात बताएं कि ये कोई डिप्लोमेटिक एक रवैया है या वो कोई और मौका होगा जिस पे वो ये बात करेंगे। इस पे मिर्जा साहब, जो हिंदुस्तान की दहशत गर्दी में जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर तो हम एक कंसिस्टेंट कैंपेन रखते हैं। हिंदुस्तान, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान ने हमारी बहुत बुराई की है पिछले 10-15 साल से टेररिज्म के हवाले से, पर हकीकत यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशत गर्दी करवा रहा है वो जैसे अफगानिस्तान से करवा रहा है, कुछ दहशत गर्दी जो कश्मीरियों के खिलाफ जो स्टेट टेररिज्म हम जिसे कहते हैं वो स्टेट टेररिज्म कर रहा है, वो जो अपने खुद के मुसलमान हैं उनके साथ भी ये टेररिज्म ही है कि उनकी जो RSS और इस किस्म की जो इदारे हैं जो मुसलमानों को टेररिज करते हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान को तो हमने नाम यहाँ दिया हुआ है मदर ऑफ टेररिज्म, तो हमने तो इस मौजू पर हिंदुस्तान की मुखालफत टेररिज्म के हवाले से तो हम भरपूर कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में कर रहे हैं, जनरल असेंबली में कर रहे हैं। तो ये हल्का सा जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। आज रात की जो
उन्होंने हमारे खिलाफ जो रिप्लाई किया और फिर हमने उसका जो जवाब दिया है वो लोअर लेवल पे ही एक्सचेंज हुआ है, पर हमने इस पे सही तरह से इस मौजू पर एक्सप्लेन किया है हमारे जवाब में कि किस तरह से हिंदुस्तान ये टेररिज्म कर रहा है, पूरी पूरी खत्ते में कर रहा है। तो ये इस मौजू पर तो हम एक कंसिस्टेंट कैंपेन हम चला रहे हैं और चलाना पड़ेगा हिंदुस्तान को एक्सपोज करने के लिए। मैं इसमें ऐड थोड़ा करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बैचर साहब कहा कि हिंदुस्तान की दहशत गर्दी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा, इंडिया के अंदर जो मुसलमान बस रहे हैं 200 मिलियन तो उसके जो उनके साथ जुल्म हो रहे हैं उसके मुतलक बताया, फिर जो हक़ खुद इरादियत और ये सारा जो जिक्र किया तकरीर के तकरीबन शुरू में, मेरा ख्याल शायद वो हवाला सारा इसी सिलसिले में दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जी जी आप सही कह रहे हैं, वो इशारा दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बहुत सारी मसले थे जिन पे उन्होंने खिताब किया, पर ये एक गहरा मसला है जिसको हमने एड्रेस करना होगा। थैंक यू डॉक्टर हुमा, प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी मेरा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज बात की है कोविड 19 के पेंडेमिक में जिस तरह से पाकिस्तान का एक एग्जेम्पलरी यू नो परफॉर्मेंस रही है एज कम्पेयर टू द अदर नेशंस इन द वर्ल्ड, जैसे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया जिसकी वजह से काफ़ी जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रखने वाली जो कम्युनिटीज थी उनको इम्पैक्ट नहीं हुआ, दैट इज़ ग्रेट। However, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक सेकेंड वेव आएगी या जो अभी जो है वो दैट इज अ टेम्पररी सिचुएशन। क्या पाकिस्तान ये अब ऐसा लग रहा है कि क्या वहाँ के लोग भूल गए हैं कि अब COVID-19 पेंडेमिक डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज यू नो वहाँ पे लोग ज्यादातर जो मेजर्स हैं वो नहीं ले रहे, तो इस सूरत हाल में अगर सेकेंड वेव आती है तो हाउ इज पाकिस्तान प्रिपेयर टू प्रिवेंट you know the citizens from the second wave of the pandemic? Ji sahi aapne sahi kaha, aapne dekha hoga ki pranish sahab ne kaha aakhir mein ki we are not up to the woods, like nobody is up to the woods, to unko ehsaas hai ki second wave aa sakta hai, shayad aayega aur har jagah aayega। उसमें मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी, मैं खुद डिटेल्स तो नहीं जानता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी मेडिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, पर आई एम श्योर कि जो पहला एक्सपीरियंस था ये स्मार्ट लॉकडाउन्स का, टेस्टिंग का, तो हम आई एम श्योर कि हम बेहतर, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड टू हैव टेस्टिंग ट्रेसिंग, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग से फिर स्मार्ट लॉकडाउन्स पॉसिबल होती हैं। सो वी यूज्ड इट बिफोर और इंशाल्लाह वी मस्ट हैव लर्न्ड समथिंग, तो सेकंड वेव में भी वी होपफुली विल बी एबल टू कोप इन द सेम वे। लास्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड पीस की बात की है, इसके अलावा उन्होंने रीजनल पीस की खसूसी तौर पर बात की, और इस तनाजर में मेरा क्वेश्चन जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे है। पाकिस्तान एक एज ए फैसिलिटेटर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और अफगान हुकूमत की तालिबान के साथ एक फ्रेंडली वे में अमेरिका को वहाँ से निकलने में मदद कर रहा है, तो आप बताएं कि इस वक्त करंट अपडेट क्या हैं, ये जो मुआहदा है ये किस हद तक ये क्लोज हैं कि वो फौजें वहां से निकल जाएं, थोड़ा सा काइंडली आप थोड़ा सा अपडेट करें। जी साहब, इसके ऊपर जैसे आप जानते हैं कि 12 तारीख को मुज़ाकरात शुरू हो गई हैं, इंटर अफगान जिसे कहते हैं, इंटर अफगान नेगोशिएशन जारी शुरू हुई हैं। अभी तक वो प्रोसीजरल जो चीजें हैं कि किस तरह से मुज़ाकरात होंगी, क्या एजेंडा होगा वगैरह, उस पे बहस चल रही है इस वक्त और ये मुज़ाकरात मुश्किल होंगी क्योंकि 40 साल की जंग आपस में अफगान हमारे जो भाई हैं वो लड़ रहे हैं, तो
ये मुश्किल मुज़ाकरात होंगी। हम अपनी तरफ से तो दोनों तरफ से कांटेक्ट में रहे हैं, हुकूमत के साथ भी, तालिबान के साथ भी, और हम दोनों के मदद करने के लिए तैयार हैं। पर ये जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसको हम चाहते हैं कि ये अफगान ओन्ड और अफगान लेड, अफगान कंट्रोल्ड हो, क्योंकि फिर आगे जाके उस पर कोई नुकता चीनी हमारे साथ नहीं हो सके। पर हमारे लिए ये बहुत, जैसे आप जानते हैं, ये बहुत अहम प्रोसेस है कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है, अगर किस तरह से ये आपस में सुलह कर सकते हैं, तो उसका फायदा अफगानिस्तान को तो होगा और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको तो होगा, पर सेकंडली सब में बड़ा फायदा मंद पाकिस्तान होगा, क्योंकि वहां अमन होगा तो हमारी तरफ भी अमन हो सकता है। तो जो दहशत गर्द वहां बैठे हुए हैं, जैसे TTP के जो दहशत गर्द वहां बैठे हुए हैं, उनको निकाला जाएगा और उनको या गिरफ्तार किया जाएगा या उनको निकाला जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, तो वो दहशत गर्दी हमारे खिलाफ नहीं कर सकेंगे। रेफ्यूजीज जो हमारे पास हैं वो वापस चले जाएंगे। अफगानिस्तान अगर खुल गया तो हमारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, सेंट्रल एशिया के साथ जो रेलवे बन रहा है, रोड्स बनेंगे, पाइपलाइंस बनेंगी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स बनेंगी, ये सब चीजें सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान को जो कनेक्शन होगा, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वो एक्सटेंड हो जाएगा अफगानिस्तान को, उसकी तजारत वहां से फायदा होगा। तो ये सब का, जैसे चीनी कहते हैं, ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। पर हमारे अफगान भाइयों को समझाना जरूरी है, और कुछ ऐसे लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि अमन हो वहाँ, जैसे हिंदुस्तान है, वो नहीं चाहता है कि वहाँ अमन हो, वो तो चाहता है कि बिगड़ता रहे, क्योंकि फिर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी वो कर सकता है वहां से। तो इसलिए कोई स्पॉयलर्स हैं उनको हमने थामना है, पर हमारी बिल्कुल ये कोशिश, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद पर्सनली रोल प्ले किया है, हमारे लोगों ने, हमारी फौज ने बहुत मदद की है। इंशाल्लाह देखिए कि अफगानिस्तान में अगर अमन हो जाए तो हमारे बहुत फायदा होगा। मैं एक छोटा सा एक ऐड करना चाहता हूँ बैजर साहब, के जैसे आपने खुद कहा कि अफगानिस्तान में अमन का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही होगा, और ये आज का जेस्चर जो इमरान खान साहब ने दे दिया है अफगानिस्तान का जिक्र करके तकरीर में, या फिर अपना मौकफ भी दिया कि मैं हमेशा से अमन जंग के जरिए तो मसाइल का हल नहीं हो सकता, हम ढला के जरिए हो सकता है, तो ये पैगाम, दोस्ती का पैगाम भी एक दिया है रीजन में इमरान खान साहब ने, और इसके साथ जाहिर है कि एक आदम साय को तकलीफ होगी, लेकिन आप दूसरे अफगानिस्तान की तरफ से आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा जेस्चर आना चाहिए इसके जवाब में आएगा? देखें साहब, हमारे जैसे अफगान भाई हैं वो मुश्किल में है, उनका ये उस बेचारे मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 40 साल में, वो कम मुल्कों के साथ हुआ कि दो बड़ी बड़ी ताकतों ने इंटरवीन किया वहां, पहले सोवियत यूनियन था, फिर अभी अमेरिका आ गया, तो उनके आपस में जो डिविजन्स हैं वो एक हिस्टोरिकल बन गई हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल हैं, कुछ पैसे की वजह से हैं, कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से हैं, तो ये मसलों को हल करना आसान नहीं होगा, ये मुश्किल है। पर हमने तो जेस्चर नहीं मांगने, हम तो बड़े भाई के तौर पर उनकी मदद करेंगे और हमें मदद करना चाहिए, और अगर उनमें कमी पेशी आती है, कभी कदार वो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, तो हमारा रुख तो यही है कि हम सह जाते हैं उसको, क्योंकि हम समझते हैं कि वो किस मुश्किल में है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, हमारे नाज़रीन को एक आगाही हुई, और ये पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान
उन्होंने एक कामयाब और बाकमाल डिप्लोमेसी का आगाज़ किया है और पाकिस्तान का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे सामने आया है। और आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक विन विन सिचुएशन में आपने यूनाइटेड नेशन में बैठ के पाकिस्तान का जो मुकदमा और स्पेशली कश्मीर का मुकदमा और इसके अलावा जो पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जो हमारे कोर इश्यूज हैं उसमें भी आपकी बड़ी नज़र है। हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान इसी तरह अपने मामला जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो खुशअसलूबी से समझा के और कामयाबी से वो हासिल करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनल का। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू।